तो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे के बाद फाइनली मैंने मंडे को द केरला स्टोरी मूवी देखी एंड वो भी फ्री में। तो फ्री में कैसे ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ स्क्रीन आई पर 68.7 मेगाहर्ट्ज़ पे। वैसे तुम चाहो तो सब्सक्राइब करके ये फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। और केरला स्टोरी को मैं करेला स्टोरी बोल सकता था, लेकिन ये मूवी इतनी सीरियस है कि मेरा ये बोलने का मन नहीं किया। तो फिल्म की मेन स्टोरी फोकस करती है चार लड़की पे जो कि अपने अपने शहर से एक दूसरे शहर आती है कॉलेज में पढ़ने, जो कि एक साथ कॉलेज के हॉस्टल में एक ही रूम में रहती है। चार लड़कियों में से एक लड़की मुस्लिम है जो कि इन तीन लड़कियों का ब्रेन वॉश करती है, तो उसका धर्म परिवर्तन करती है, उसे ISIS में भर्ती करवाती है। फिल्म की स्टोरी हमें दो तरह से दिखाई गई है, जिसमें से एक तरफ में आदा शर्मा का करेंट सिचुएशन दिखाया जाता है कि कैसे वो ISIS में पहुंच चुकी है, एंड दूसरे तरफ आदा शर्मा से एज ए स्टोरी हमें ये दिखाया जाता है कि आखिर कैसे वो ISIS पहुंची। तो अब बात करें कि फिल्म आखिर देखने में कैसी है, तो इसका सीधा आंसर है कि अगर तुम मजा चाहते हो तो ये वैसी फिल्म नहीं है। तुम इस फिल्म को मजे के लिए नहीं बल्कि सच्चाई जानने के लिए देख सकते हो, क्योंकि हर फिल्म का उद्देश्य सिर्फ मजे देना नहीं होता है। जैसा कि कहा जाता है कि सिनेमा समाज का आईना होती है, तो तुम इस फिल्म को वही आईना समझ सकते हो। फिल्म में कुछ ऐसे सीन है जो कि आपको अंदर से विचलित कर सकते हैं, जैसे कि रेप एंड हाथ काटना एंड मर्डर करना। फिल्म की एंडिंग मुझे उतनी सेटिस्फाइंग नहीं लगी जितनी की कश्मीर फाइल की थी। फिल्म में जो ब्रेन वॉशिंग दिखाया गया है उसे देखकर आपको लगेगा कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, लेकिन भले ही फिल्म में अच्छी तरह से न दिखाया गया हो, लेकिन ये ब्रेन वॉशिंग रियली में हो चुकी है, क्योंकि अभी तक 33,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ ये हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि आखिर मैंने फ्री में ये मूवी कैसे देखी। तो ऐसा कि फ्राइडे के रिलीज के अगले दिन ही मेरा कॉलेज जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसमें कॉलेज के द्वारा लड़कियों के लिए इस मूवी का टिकट फ्री में दिया गया, एंड आज मंडे को लड़कों को 50% ऑफ पर ये टिकट दिया गया है। यानी कि मैंने पूरा फ्री में तो नहीं, लेकिन 50% ऑफ पर देखा है। एंड थिएटर में एक भी सीटी सुनने को तो नहीं मिली, लेकिन जो थिएटर में नारे लगे हैं उसे मैं रिकॉर्ड करके लाया हूँ, यहाँ प्ले कर दूंगा, सुन लेना। तो अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में बताना, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।